रोड हो। अच्छा, आप नगर निगम से हो क्या? हाँ जी बाबूजी, नगर निगम से हो। हाँ, तो नगर निगम ने ये बोल रखा है कि यहाँ कूड़ा डालो और इन गऊ माताओं के मतलब काल बन जाओ आप लोग। पोलोथीन गंदगी जन कितनी क्या है नगर निगम? ये क्या, ये क्या पोलोथीन नहीं है? ये क्या पोलोथीन नहीं है? नहीं, ये बताइए किसने किसने बोल रखा है आपको यहाँ पे? किसने बोल रखा है? उस दिन दरोगा ने, आपने उस दिन मैं आपको फोन नंबर दे गया हूँ मैं। आप फोन नंबर लेके देख गए हो भाई साहब? बार बार हम फरीदाबाद के नगर निगम को बार बार चता रहे हैं कि भाई यहाँ पर हमारी गौ माता है, हमारी आस्था से ना खेलें, कि ऐसा ना हो कि यहाँ पर कोई बड़ा पंगा हो जाए और ये जो नगर निगम के अधिकारी हैं इनके साथ हमारी हाथापाई हो, या फिर हम इनसे गलत बोले या ये हमसे बोले। बार बार मेरी विनती है भाई साहब, क्योंकि जब माँ की आबरू पे और इज्जत पे बात आ जाती है तो बेटा कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। मैं तो सीधी से और सीधे से शब्दों में कहना चाहता हूँ, तो मैं नगर निगम से कहना चाहता हूँ कि भाई साहब मेरे को भीड़ की जरूरत नहीं है और ना ही मेरे पीछे लट्ठे हैं। मैं स्वयं में एक नारायणी सेना हूँ। मैं ठोक दूंगा, ऐसा ठोक दूंगा इन लोगों को कि ये याद रखेंगे, ना हाथ के रहेंगे, ना पैर के रहेंगे, ना चलने के रहेंगे, ना पलने के रहेंगे। ठीक है जी, अकेला ही बसेरा हूँ मैं, तो मेरे हाथ जोड़कर विनती है भाई, या तो इस कूड़े के ढेर को यहाँ से सफा करिए। गौ माता को मारने का पूर्ण रूप से कार्य कर रखा है नगर निगम ने, और वो भी सेक्टर 8 की मार्केट के अंदर। बताइए, मेडिकल शॉप है, खाने की शॉप है, राशन की शॉप है, और न जाने कितनी कितनी यहाँ पर शॉप है, और लेकिन यहाँ पर कूड़े का ढेर बना दिया है। भाई साहब बार बार बोल रहे हैं आपसे, आप क्यों डाल रहे हो? उस दिन भी मैंने करी थी आपसे, आप ले जाओ इसको, मुझे डाल ही नहीं दे रहा। मेरा क्या पता कहाँ ले जाओगे आप? आपको तनख्वाह मिलती है नगर निगम से? मिलती है ना बाबू जी? देखो बाबू जी, मेरी आपसे कोई जाति दुश्मनी नहीं है, नहीं मैं आपको जानता हूँ, मेरी गौ माता से प्रेम है। तो आप कृपा करके, हाँ भाई क्या कर डाल रहे हैं यहाँ पे? ये कोई राशन की दुकान जहाँ डालने चला गया तू? है ये जो गाय ने दिख रही पोलोथीन मिलेगा सड़क झपाट दे खींच कर। हाँ भैया, तू कहाँ गिर रहा है? ले जाए के क्यों क्यों डालोगे आप? किसने बता रखी है? या ले जा, पार्षद बुला ला, दरोगा बुला ला, ये नहीं डला गया आज के। बोल किसके दौर फोन कराए? नहीं, जो गायन को मारने को समझ कर रखा हो, बताओ मतलब देख क्या कूड़ और क्या करकट है। आप कहाँ से हो भाई साहब? नगर निगम से? आप भी ये नगर निगम से? देखो गलती इन लोगों की नहीं है, जब ऊपर से अधिकारी बोलेगा तो डालेंगे डालेंगे, लेकिन हम इसे कह रहे हैं हाथ जोड़कर विनती है भाई साहब, आप ले जाइए कहीं भी डालिए, आप नगर निगम के जो अधिकारी उनको बुला लीजिए, विनती है मेरी आपसे। है ठीक है बाबू जी? देखो मेरे मतलब नहीं, आप पूरे फरीदाबाद को कूड़े के ढेर से ढक दो, कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरी आस्था गौ माता से भैया, यहाँ पे पोलोथीन और जना जाने कितनी गंदगी पड़ी है, और ये गई वैया खा रही है। हैं, वैसे कहते हैं हिंदुओं की संस्कृति, हिंदुओं की आस्था है, और ये बहन जो हिंदू ही गाय को मारने पे तुल रहे हैं, यहाँ का पार्षद हिंदू, यहाँ का विधायक हिंदू, शर्म आनी चाहिए इस विधायक को नरेंद्र गुप्ता को, जो बीचों बीच सेक्टर 8 की मार्केट में ये कूड़े का ढेर खड़ा कर दिया है। ऐसे पार्षद को भाई धक्के उतार दो कतई सीट पे से ही, इतना बुरा हाल कर दिया है। और ये दोनों ठेले खड़े हैं भाई, ऑन द स्पॉट पकड़े हैं यहीं पे कि भाई यहाँ पे गंदगी नहीं गिरेगी, और ये शय है यहाँ के पार्षद की और यहाँ के विधायक की, कहते पॉइंट है, मतलब गंदगी का पॉइंट है। ये आप देख सकते हो, मार्केट है, मेडिकल शॉप है, खाने की शॉप है, फ्रूट और जरे जाने कितनी यहाँ पर, आपको पता है मार्केट में किस चीज की शॉप रहती है भाई? है, और वही गंदगी है यहाँ पर बिल्कुल पीछे, न जाने इस गंदगी से कितनी बीमारियां उत्पन्न होती है, और वो वहां पर जाके लगती है, मक्खियां बैठती हैं और वो घरों में उत्पन्न हो जाती हैं बीमारियां। और चलो वो तो ठीक है, जो हो रहा है ठीक है, लेकिन आस्था गौ माता के यहाँ पर देख सकते हो कितना बुरा हाल है, कूड़े के ढेर पे गौ माता। मैं तो बार बार कह कह के थक गया, लेकिन ये इन मानने वाले नहीं है भाई बिल्कुल भी, इनके तो कुछ इंतजाम करना पड़ेगा नगर निगम। अभी मैं आपको जो इंस्पेक्टर है उसका भी और जो एक प्रधान बन रहा है उसका भी नंबर एक्सपोज करूंगा, और उनसे बार बार कहिए भाई यहाँ पे कूड़ा ना डालो, अगर कूड़ा डालना है तो गौ माता का संरक्षण करो, मेरे को कूड़े से कोई मतलब नहीं है, कूड़ा खूब डालो, लेकिन इसकी ऐसी चार दीवारी सी कर दो या फिर तार फेंसिंग कर दो कि ये गौ माता नहीं आए। अरे पार्षद और ये जो विधायक है जनता के नौकर है, जनता ने इनको बैठाया है, लेकिन आज ये मालिक बन के बैठ चुके हैं। जनता को ये पागल समझते हैं पूरी तरीके से, क्यों? जनता गूंगी और भैरी और लाचार और क्या बताऊं पड़ी हुई है, कोई मतलब नहीं है कहने का। अगर कोई जिहादी या कोई मुसलमान अगर ऐसी हरकत कर देता ना तो सारे हिंदू एक होकर ओ फेसबुक और व्हाट्सएप पे क्या क्या ड्रामे करते। अब कहां गए वो फरीदाबाद के गौरक्षक और गौ सेवक? है, क्यों नहीं दिखाते भाई फरीदाबाद में कितना बुरा हाल है गौ माता का? वैसे आप दिल्ली जा सकते हो, एक संगठन है दिल्ली चला गया था संगम बिहार, फरीदाबाद में कुछ हुआ नहीं उससे, दिल्ली जा रहा हूं जी मैं, खा खाए के बहन जो मालों को हिंदुओं के इनको और पेट भर रहे हैं, बस जरिया बना दिया, व्यापार बना दिया है गौ माता को लोगों ने,
एक भी संगठन बता दो फरीदाबाद में कौन सा सक्रिय है गौ माता के लिए या क्या कार्य कर रहा है। गौ माता कूड़े के ढेर पर अपना भोजन ढूंढ रही है और उसी भोजन में तिल तिल रोज मर रही है। हाँ भाई साहब बुला लिया जी, कौन कौन? अरे जगबीर सिंह, मैंने फोन करा, उसने फोन ही काट दिया भाई, बात सुनने के लिए तैयार नहीं है उनका। हाँ 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 जगबीर है, कौन है वो? अरे इंस्पेक्टर है जो। हेलो यार, ये बताइए भाई साहब, यार देखो कुछ भी करो मेरे, अरे यहाँ से इधर उधर चार दीवार वो कर दो, प्यार फेंसिंग कर दो, उसमें गेट लगा दो, गेट और नहीं गाय जाएंगे आप कूड़ा घेरो वो आएगा। अरे ऐसे भी देखा जाए तो मेरे नगर निगम में करीबन करीबन 100 से प्लस ट्रैक्टर खड़े हैं, अगर उस ट्रैक्टर को यहाँ खड़ा कर दिया जाए और उसमें ट्रॉली बड़ी लगा दी जाए तो रोज की रोज वो चला जाए। 100 प्लस ट्रैक्टर खड़े हुए हैं। हाँ जी भाई, एक बड़ी सी ट्रॉली बना दे, रख कर दो इसको भाई साहब, यहाँ नहीं खिलाओ, विनती है मेरी, हाथ जोड़ के देखो भाई साहब प्लीज, आप कहीं भी खिला दो मेरे को पता नहीं है, क्योंकि ऐसा है ना रोज रोज, अगर एक दिन जाएगा तो वो समाधान करेंगे, उस दिन आए बात करें कि चले जाते कोई मतलब नहीं है। यहाँ प्राइवेट सबसे ज्यादा कूड़ा डलता है, प्राइवेट। देखो बाबू जी, जब आप डालोगे जब ही प्राइवेट डालेगा समझो, अगर आप बंद कर दोगे ना तो चार दिन में ये भी ऑब्जेक्ट उठाएंगे, मैं भी उठाऊंगा, सब उठाएंगे। देखो भाई, दो मिनट में फोन करने की देर नहीं हुई और सफाई अभियान ऐसे चला दिया इन लोगों ने जैसे भाई हो यहीं पे ये भोजन प्रसादी देंगे, अब बड़ा शर्म की बात है भाई। और करीबन मेरे को लगता है नगर निगम पे 15 से 20 ट्रैक्टर खड़े हुए हैं, अगर उन ट्रैक्टरों को यहाँ खड़ा किया जाए और एक बड़ी सी ट्रॉली लगाए कर, यानी कि 30 फुट लंबी कर दो और 20 फुट चौड़ी कर दो और यहाँ पे रखो और उस ट्रॉली में इस कूड़े करकट को डालो और सुबह डल रहा है शाम को ले जाओ, शाम को डल रहा है सुबह ले जाओ, सफाई अभियान चलेगा बहुत तरीके से। लेकिन ऐसा नहीं कर सकता नगर निगम, नगर निगम को तो फूली फूली चाहिए, घोटाला चाहिए भाई। सबसे बड़ा दायित्व बनता है यहाँ के विधायक का, और विधायक नरेंद्र गुप्ता, और नरेंद्र गुप्ता पूरा का पूरा गौ माताओं को मारने पे तुला हुआ है। इसके विधानसभा में इतना बुरा हाल है गाय माता का कि कोई हिसाब किताब नहीं है, और 10 लाख रुपए जन 15 लाख रुपए प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री साहब से मिल चुके हैं, खट्टर साहब से भी, उनका ही पता नहीं कहाँ कर दिया। अगर उन 10 लाख रुपए इनका, अगर इनकी विंडो बनवा देता चारों बगल की विंडो, समझ गए ना, यानी कि चार दीवारी, तो एक गौ माता यहाँ नहीं आती और कूड़ा कितना ही पड़ा रहता। अरे देखिए तुरंत आए हैं प्रभाव से, और हालांकि सफाई से कोई होना कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये तो खाना पूर्ति चल रही है भाई, और कुछ नहीं है। ये बाबू जी जय हो जी। अब नगर निगम जो इंस्पेक्टर है और जो यहाँ का प्रधान बन रहा है, उन्होंने इस भाई साहब को भेजा है और अब देखते हैं। अरे एक नहीं, यहाँ एक के नहीं 1000 कर देंगे, हम तो ये नहीं चाहते कि लगड़ा हो, इससे बोल दे कि क्या अगर भैंसा दिमाग में कुछ गलत फहमी बैठा रखी हो इसने। नहीं भाई, गाय भगाने से क्या मतलब होगी, मैंने आपसे बोल, नहीं भाई साहब नहीं, मेरे को पूरे शहर को कूड़े में बल दे दो, मेरा कोई मतलब नहीं है, मेरे इन गए माया से मतलब है, और जो कूड़े पे यहाँ से भाई साहब चार चार डंडा खींच के क्या दिक्कत है, तार फेंसिंग कर दो आप। जेसीबी आने वाली है, बस आने वाली यार जेसीबी, भाई साहब रोज का काम है, रोज रोज मैं इसी पे खड़ा रहूंगा और नहीं बाबू जी मेरे पास, यार मूलचंद शर्मा गया साली भट्टी में, मेरे क्या पता मूलचंद शर्मा आ रहा है क्या, मूलचंद शर्मा मेरे को पता, इन लोगों ने तो दिक्कत कर रखी है पूरे फरीदाबाद शहर के अंदर। समाधान आप लोग करोगे, मैं थोड़ी करूंगा, नहीं मैं बताता हूँ वो करो आप, इन गौ माताओं को उठाओ और इनको पहुंचाओ जहाँ पे पहुंचानी है इनको, जगह पे। मैं भी एक कर्मचारी हूँ बाबूजी, मैं भी एक कर्मचारी हूँ, आप जैसा कहोगे हम तो वैसे हम करने नहीं ना। आए उठा इसको, उठा इसको, उठा इसको, अभी उठा है, कहाँ से लाया इसको, उठा इसको, उठा, कौन सी पोलो थी ना तेरी, देख ये भाई जो कचरा का ढेर, ये गाय नहीं दिख रही, पोलोथीन में गेर के चल रहा है, उठा इसको चल, और आज के बाद गेर दिया ना तो साइकिल और तेरे को यहीं रख लूंगा। शर्म होनी चाहिए, घर का कूड़ा घर तक साफ कर देता, लक्ष्मी बैठेगी यहाँ पे। एंचो भाई साहब, ये आप लोगों की कमी है ना, आप लोग यहाँ डाल रहे हो तो सब डालेंगे, आप लोगों की कमी है भाई साहब। वो पूछो ना, आपने बीचों बीच सेक्टर 8 की मार्केट में मेडिकल शॉप है, खाने की दुकान है, और न जाने कितनी कितनी दुकान है, और इसमें यहाँ पे बीचों बीच कूड़े के ढेर, कितनी बीमारियां उत्पन्न होंगी बताइए।
ये तो लगी रही विचार, इनसे लगने से काम थोड़ी चलेगा बाबूजी, इसका समाधान करवाइए। समाधान तो सर बड़े बड़े बाबूजी, आप जब वहाँ बोलोगे ना बाबूजी, जब आप लिखित में दोगे मैं परेशान हो रहा हूँ, नहीं डाल अंधेरे, तो वो कुछ ना कुछ समाधान करेंगे। बिल्कुल आपकी बात राइट है, मैं तो कर्मचारी आदमी हूँ बाबूजी, मैं भी कर्मचारी हूँ बाबूजी, मैं भी आपकी तरह ही हूँ। बुलाओ भाई, कौन है वो इंस्पेक्टर, कौन है? एसआई। क्या नाम है एसआई का? जगबीर सिंह को बुला ले भाई, जब हटे जब ही जाएंगे, यहाँ कूड़ा नहीं डलेगा बिल्कुल भी। जगबीर बुला, जगबीर को नंबर बताना, जगबीर सिंह का बहू जी नंबर बता दो ना, फोटो मत खींचो, नंबर बता दो आप, फोटो तो खींचने को मैं ही बता रहूंगा। नगर निगम पर थोड़ी सी वो आप दिखाओ, बोलो न, बोलो नंबर, बोलो 99 90 0, रुक जाओ, 99 99 0 0 हाँ 19 19 505 505, दिखाना जरा, हाँ जी 99 99 0 19 50 5, ठीक है जी। ये जगबीर सिंह है, एसआई है क्या है? एसआई है। तो भाई इनके पास फोन करिए और इनको पूछो भाई किस आधार पे और किस कारण आपने गौ माता कूड़े के ढेर पर है, ठीक है जी भाई। यहाँ चार दीवारी करो, मेरी विनती है, और भैया यहाँ पर नहीं गिरेगा बिल्कुल भी, मैं हाथ जोड़कर विनती है भाई साहब, बहुत बुरा हाल बना दिया इन लोगों ने। कोई भी नगर निगम का अधिकारी और खास तौर पे यहाँ का विधायक नरेंद्र गुप्ता एसी में बैठा है, और मैं भाई साहब सोशल मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर नरेंद्र गुप्ता जी ने यहाँ के ज्वाइंट कमिश्नर हो या नगर निगम कमिश्नर हो, अगर इसका समाधान नहीं करवाया तो 2-3 दिन बाद ये ही जेसीबी से डंफर में भरेंगे और नगर निगम के ऑफिस के सामने और गुप्ता जी के ऑफिस के सामने गिरा जाएगा, और जितनी भी गौ माता है इनको बांधा जाएगा उनके ऑफिस में। या तो यहाँ सुधार करिए, नहीं तो हालात गंभीर बनेंगे भाई, मेरी विनती हाथ जोड़कर, नगर निगम ऐसे नहीं सुधरेगा भाई। और ये पूछते हैं भाई क्या लड़के एक है, अरे एक नहीं 1000 पैदा हो जाएंगे यहाँ पे, ये फोन और करके पूछते हैं। तो मेरी सभी भाइयों से हाथ जोड़कर विनती है भाई साहब, ये जल्दी देखो, देखो क्या हालात है, देखो ये मारने का काम होगा यहाँ पर बिल्कुल, देखो नगर निगम नरक निगम कूड़े के ढेर पर स्मार्ट सिटी फरीदाबाद, यहाँ के विधायक और यहाँ के नेता और यहाँ के मंत्री, गुलाब जामुन 56 भोग भोग रहे हैं और गौ माताओं को भी 56 भोग दे रहे हैं। विधायक और यहाँ के मंत्री से बोलो ना, जो सांसद है एक बार यहाँ पर भी भोजन प्रसादी लेना, पता चल जाए। वोट मांगते हैं गौ माता के नाम पर, और जब गौ माता की बात आती है तो मुंह को दुबका के ऐसे भागते हैं जैसे इनने काड़ा मुंह कर लिया हो, सालों ने इतना बुरा कर्म करा हो। तो मेरी हाथ जोड़कर विनती है भाई साहब, नगर निगम से कमिश्नर से हाथ जोड़कर विनती है भाई सर, अगर ये कार्रवाई नहीं रुकी तो इस कार्रवाई का अंजाम आप लोगों को भुगतना पड़ेगा। ये कूड़ा सारा का सारा नगर निगम में जाएगा, और विधायक नरेंद्र गुप्ता जी से भी मेरी विनती है, ये जो आवाज़ पहुंच रही हो लोगों तक पहुंचाओ, इसको शेयर करो, अगर ये कूड़ा नहीं हटा तो ये कूड़ा उठ के नरेंद्र गुप्ता के ऑफिस में जाएगा। देखिए किस हिसाब से गौ माता इनको हटाया गया है, अभी और भी न जाने कितनी गौ माता है, अभी थोड़ी देर में रुक जाइए, कुछों को भगा दिया है, कुछ यहाँ पे खड़ी हुई हैं। तो जय श्री कृष्णा, जय बिहारी जी, जय श्री राम। और हिंदू सबसे निकम्मा सबसे गिरा हुआ इंसान है, अपनी आस्था को अपने धर्म को बेच रहा है, और दिख रहा है बिक रहा है फिर भी बोल मुँह से नहीं बोल दो निकल रहे हैं। जय श्री राम।